क्यों भाई, ग्रोजा में 6x नहीं चलता? या फिर चलता तो है बट कुछ इस तरह चलता है। कब तक M4 में 6x चलाओगे? क्या M4 में भी नहीं चलता? सो यो बंजो गाइस, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप ग्रोजा और 6x का रिकॉल कैसे कंट्रोल कर सकते हो। सो गाइस, मैं कोई जादूगर तो हूँ नहीं, यहाँ से छड़ी घुमा दूँ और आप सभी का रिकॉल है वो कंट्रोल हो जाएगा। रिकॉल तो जाहिर सी बात है आपको ही कंट्रोल करना पड़ेगा, बट हाँ मैं कुछ ऐसी टिप्स आपको जरूर बता सकता हूँ जिससे आपका रिकॉल है वो मिनिमम से मिनिमम हो जाए। हाँ गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बता दूँ कि ये वीडियो केवल जायरो प्लेयर के लिए। सो गाइस, जो जायरो प्लेयर नहीं है उनके लिए मैं बता दूँ कि भाई जायरो में शिफ्ट हो जाओ, ये आपका 2 उंगलियों की बचत करेगी। आप उन 2 उंगलियों को और कहीं पर यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, जो जायरो प्लेयर हो मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी भी गन का रिकॉइल है वो जायरो से 2 तरीके से कंट्रोल हो सकता है। पहला है वो है कि आप अपने फ़ोन को टिल्ट कर देते हो तो उसे जायरो कंट्रोल होता है। दूसरा होता है कि आप अपने आर्म्स को नीचे की तरफ लेके जाते हो तब आपका रिकॉइल कंट्रोल होता है। सो गाइस, अगर आपको रिकॉइल कंट्रोल करना है M4 का या फिर ग्रोजा का, किसी भी गन का रिकॉइल कंट्रोल करना है जायरो के अंदर, तो गाइस आपको जैसे आप अपने जायरो को जिस तरीके से भी कंट्रोल करते हो, या तो टिल्ट करके या फिर आर्म को नीचे की तरफ ले जाके, आपको ये दोनों को एक साथ करना है। अगर आप एक साथ करोगे तो आपको 100% मैक्सिमम रिकॉइल कंट्रोल होगा। अगर आप पहले से टिल्ट करके जायरो को यूज़, या फिर अगर आप आर्म्स को नीचे करके रिकॉइल को कंट्रोल करते हैं, अगर आप दोनों एक साथ करेंगे तो आपका जो रिकॉइल है वो पहले से बेटर हो जाएगा, ना कि घटेगा। आपको पहले से बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आप अभी के अभी ट्रेनिंग सेक्शन में जाइए और जो भी गन आप चलाते हैं उसके अंदर 6x लगा के चलाइए। और जैसे आप जिस तरीके से भी अगर आप फ़ोन को टिल्ट करके यूज़ करते हैं जायरो, तो आपको टिल्ट के साथ साथ आर्म्स को भी नीचे करना है, आपका रिकॉइल बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और अगर आपका रिकॉइल अच्छा कंट्रोल होता है तो फिर आके आप अपनी वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको रिकॉइल कंट्रोल नहीं होता डिसलाइक मार के चले जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बता दूँ ये वर्क करेगा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करके जाइए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी शॉर्ट टर्म्स के अंदर अच्छी वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।